जैन सोशल ग्रुप नागदा का होली मिलन समारोह एवं नवीन सत्र के नवीन कार्यकारिणी के शपथ विधि समारोह का आयोजन स्थानीय टेम्पल गेस्ट हाउस पर सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान ग्रुप द्वारा पिछले वर्ष में करीब 50 गतिविधियों का संचालन सामाजिक शिक्षा एवं जीवोदया के रूप में किया गया, जो केवल नगर में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश रीजन में सराहनीय रहा। इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए ग्रुप द्वारा संजय मुड़िया एवं श्रीमती रचना चपलोत का सम्मान किया गया। अब अगले स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती रचना जी चपलोत, श्रीमान मनीष जी चपलोत, श्रीमान शैनिक जी जी बम, श्री सुभाष जी बाफना और श्री पंकज जी मारू मंच के समीप आ जाएं। अगला सम्मान आप चारों को करना है। श्रीमती पंकज वर्ष की शानदार सफलता के लिए इष्ट मित्रों सहित जय जी परिवार के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने समय समय पर मार्गदर्शन प्रदान किया। आप भी श्री के आशीर्वाद सहयोग से हम सभी मिलकर इस टीम के रूप में कार्य करते हुए ग्रुप को क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का आशीर्वाद व सहयोग ग्रुप के नवनिर्वाचित अध्यक्ष शरद जी जैन एवं टीम को निरंतर मिलता रहे, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आदर्श जय। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। आने वाली जो नई टीम जिसको हम शपथ दिलाने जा रहे हैं, नए सूरज की नई सुनहरी किरणों से मैं आज आपका स्वागत करता हूं और जय एस जी के इस सम्रांगण में उल्लास की कुमकुम से मैं आज आपका स्वागत करता हूँ।
शांति का इतिहास सेवा और समर्पण की स्याही से लिखना होगा। अतः भाव भरे मंगल कामना के उजले स्नेहिल दीपों से मैं आज आपका स्वागत करता हूँ। भारतीय संस्कृति में ये मेवाड़ अंचल, जिनका मेवाड़ डिवीजन का गठन अभी एक वर्ष पूर्व हुआ, कि भारतीय संस्कृति में ये मेवाड़ अंचल न केवल शौर्य के लिए विद्यमान है, बल्कि भक्ति और शक्ति के लिए भी यहाँ की माटी कण कण में शौर्य विद्यमान है। अरावली की उपत्यकाओं में बसी झीलों एवं फवारों की यह सुंदर नगरी उदयपुर, जहाँ पर सुशील जी से मेरा बहुत छोटा सा एक परिचय हुआ, जब जयेश जी की राष्ट्रीय कन्वेंशन की मीटिंग में, आप काउंसिल की मीटिंग में पधारे। दो मिनट की यह वार्तालाप, दो मिनट का यह प्रारंभिक परिचय, आज 200-250 किलोमीटर दूर आपका स्नेह मुझे यहाँ खींच के लाया, सुशील जी यहाँ खींच के लाया। वो भी एक कवि हृदय है, उन्होंने एक कवि को पहचाना। सुशील जी कहा भी सही है कि तुम्हारी कृपा का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। सुशील जी तुम्हारी कृपा का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, और तुम्हारी ही वीणा का मैं भी एक तार हूँ। नहीं बता सकता क्या हूं, मगर इतना जरूर है कि इन चमन की बहारों में मैं भी एक बहार हूं, मैं भी एक बहार। कि आप इस जयेश जी की गरिमा और प्रतिष्ठा में चार चांद लगाने के लिए आप जी जान से मेहनत करेंगे, आपको बहुत गर्व और गौरव होना चाहिए कि आप 25 वर्ष की इस यात्रा के स्वर्ण जयंती समारोह, रजत जयंती समारोह के आप साक्षी बने हैं, और आप आने वाले समय में बंधुत्व से प्रेम का जो हमारा मूल सिद्धांत है, उस सिद्धांत की अभिवृद्धि करने में और अधिक सहायक और सहायक बनेंगे। मैं प्रभु महावीर की साक्षी में कुछ पंक्ति यहाँ पढ़ूंगा, आप अपना दाहिना हाथ ऊपर करें, और जो मैं पंक्तियां दोहराऊं उनको हूबहू आप दोहराएं और शपथ इस सम्मानित मंच के समक्ष लें। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सदस्य के रूप में बोलेंगे। मैं अपना अपना नाम बोलें, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मेरा उपस्थित जन समुदाय और मंच से आग्रह है कि आज हम तालियों का अभिवादन इनका पहले कर दें, शपथ की बात ना करके पहले कर दें, क्योंकि इन्होंने दो वर्ष तक इस जयेश जी नागदा की प्रतिष्ठा को अभिवृद्धि करने का जिम्मा अपने इन कंधों पर लिया है। कई बार अपने घर पर और उसी विधि से पदाधिकारियों की मैं शपथ विधि करवा रहा हूँ। मैं अपना अपना नाम और पद पर प्रभु महावीर की साक्षी में यह शपथ लेता हूं, लेती हूं कि मैं JSGIF के द्वारा स्थापित विधि अनुसार अपनी पूर्ण क्षमता योग्यता का नेतृत्व आने वाले वर्षों में करें, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आइए अब हम आपको नए सत्र के लिए विधिवत प्रतिष्ठापित करें। शरद जी, जैसा कि आपने आपके कार्ड में लिखा कि आप सभी आशीर्वाददाताओं के अनुभव, युवा शक्ति की ऊर्जा तथा जयेश जी परिवार के सदस्यों की रचनात्मकता और सक्रियता से ही इस महती जिम्मेदारी को निभाने में मैं समर्थ हो सकूंगा। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्रियजनों के प्रेम, स्नेह और सहयोग से हम जयेश जी नागदा की सफलता की नवीन ऊंचाइयों को प्रदान करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपने अंतर मन की गहराइयों से सबका होली के दिन पर स्वागत और अभिनंदन किया। कार्य की ये भाषा निश्चित रूप से आपके अंतर्वेग के, जो आपके मन के भाव हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबको लेकर के आप जयेश जी की नई ऊंचाइयों को प्रदान करेंगे। आइए अब हम शपथ विधि के रूप में दोनों ही जनों को मैं शपथ विधि संपन्न करा रहा हूं। अपना अपना दाहिना हाथ लेकर के जयेश जी मध्य प्रदेश रीजन के सबसे बड़े संगठन जैन सोशल ग्रुप नागदा, जिनका की 25 वर्षों का गौरवशाली इतिहास है और 25 वर्ष की परिसंपन्नता पर जिस व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का आज दायित्व दिया जा रहा है,
प्रभु महावीर की साक्षी में, सूरज की ढलती हुई किरणों में, चंद्रमा की पहली किरण के साथ मैं अब आपको शपथ विधि के रूप में प्रतिष्ठापित करता हूं कि मैं शरद जैन, अपना दाहिना हाथ ऊपर करके, मैं मनीष चपलोत सचिव और शरद जैन अध्यक्ष पद पर प्रभु महावीर की साक्षी में यह शपथ लेता हूं कि मैं जेएसजीएफ द्वारा स्थापित विधि अनुसार अपनी पूर्ण क्षमता, योग्यता व मेहनत से कार्य करूंगा। जेएसजी के मूल सिद्धांत बंधुत्व से प्रेम को अभिवृद्धि में मनोयोग पूर्वक कार्य करूंगा। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे जेएसजी की प्रतिष्ठा को आघात लगे। प्रभु इस नेक कार्य में मुझे मेरी धर्म प्रतिज्ञा प्रदान कर सके। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद।